हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल स्टडी हेल्प यू। स्टडी हेल्प यू चैनल आपको स्वागत जनाऊँ आउ एक नुआ वीडियो सहित मु महेश देखी नि। आज वीडियो में आम डिस्कशन करवा अष्टम श्रेणी इतिहास बहर प्रथम अध्याय जहाँकि आप रही भारत में कंपानी शासन प्रतिष्ठा यह संपर्क आम बहुत भल भाव डिस्कशन करवा किसी सर्ट क्वेश्चन आंसर एसकसन करवाको जाऊे तो भिडियो शेष पर्यटन देखा अनुरोध। जदि भिडियो भल लगे लाइक और निश्चित रूप से सेयार करदे आम चैनल को जब प्रथम थर पर आसते चैनल को सब्सक्राइब करने को। स्टूडेंट्स देखनी प्रथम प्रश्न टी कौन रही, प्रथम प्रश्न यह रहा पर्तुगीज मैंने भारतीय मानू के धर्म दीक्षित कराइबा चेष्टा करते। जो पर्तुगीज मैंने रही थे से भारतीय लोक मानू के धर्म दीक्षित कराइबा प्रचेषा करते ख्रीष्ट धर्म। यह राइट आंसर हो ख्रीष्ट धर्म तार अर्थ पर्तुगीज मैंने भारतीय मानू ख्रीष्ट धर्म दीक्षित कराइबा चेष्टा करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखनी प्रथम द्वितीय क्वेश्चन टी कौन रही, उपनिवेश स्थापनर अर्थ कौन। उपनिवेश स्थापनर अर्थ कौन अटे, अन्य देश में बसती स्थापन करवा, अन्य देश में जा रहा, ता सहित वाणिज्य प्रसार पर वाणिज्य प्रसार करने वाणिज्य कोठी निर्माण करवा, ता सहित देखनी वाणिज्य प्रसार पर वाणिज्य कोठी निर्माण करवा, ता सहित साम्राज्य विस्तार व साम्राज्य वृद्धि करने को बुझाई था। यह हूँ उपनिवेश स्थापनर अर्थ। तेणु उपनिवेश स्थापनर अर्थ आप बुझीपारे अन्य देश में बसती स्थापन करवा, अन्य देश में जा बसती स्थापन व घर कर रहा, ता सहित वाणिज्य प्रसार पर वाणिज्य कोठी निर्माण करवा, आउ ता सहित गोटे कार्य करवा साम्राज्य किभली वृद्धि हो पार से चेष्टा जारी रखा उपनिवेश स्थापनर अर्थ। नेक्स्ट देखु ओलंदाज संपर्क आम पाइबा क्वेश्चन आंसर जहाँकि सर्ट क्वेश्चन टी रही, हॉलैंड वर्तमान ना कौन। हॉलैंड देशर वर्तमान ना कौन, नेदरलैंड। हॉलैंड वर्तमान नाम हो जाए नेदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा परवर्ती क्वेश्चन रही, हॉलैंड बा नेदरलैंड अधिवासी मानक आम कौन कही था कौन कह जाए। हॉलैंड आउ नेदरलैंड लोक मानक आम कौन कही था, डच बा ओलंदाज। मन रखु हॉलैंड और नेदरलैंड अधिवासी मानक लोक मानक आम कही था कौन ना डच किंबा ओलंदाज जहाँ कह। परवर्ती क्वेश्चन कौन रही, क्वेश्चन नंबर फाइव, ओलंदाज मैंने केवे भारत सह वाणिज्य करने को प्रयास कले। ओलंदाज मैंने भारत सह वाणिज्य स्थापन करने के प्रयास करते षोडश शताब्दीर शेष भाग में। षोडश शताब्दीर शेष भाग बेलू ओलंदाज मैंने भारत सह वाणिज्य स्थापन करने प्रयास रखी थे। षष्ठ नंबर प्रश्न देखु क्वेश्चन नंबर सिक्स, डच ईस्ट इंडिया कंपनी केबे गठित होता। डच ईस्ट इंडिया कंपनी गठित केबे होता ता हूँ 1602। मन रखु मसीहाटी 1602 मसीह 1602 ख्रीष्टाब्दे डच ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिष्ठित होता भारतवर्ष। नेक्स्ट देखु डच बा ओलंदाज मैंने भारत प्रवेश पर, डच बा ओलंदाज मैंने भारत प्रवेश लाभ कलापर के सह प्रतिजोगित सम्मुखीन होते, क्यों सह प्रतिजोगित सम्मुखीन होते हूँ पर्तुगीज मानक सह। तेणु डच बा ओलंदाज मैंने भारत प्रवेश लाभ करने पर्तुगीज मानक प्रतियोगित सम्मुखीन होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर एट, आठ नंबर प्रश्न कौन रही, यह रहा प्रश्न डच और पर्तुगीज मानक होता संघर्ष में क्यों मैंने विजय लाभ कले एवं कौन दखल कले। मन रखु डच और पर्तुगीज मानक भितर जो युद्ध होता संघर्ष होता से ही संघर्ष में क्यों मैंने विजय लाभ कले एवं कौन से माने दखल कले विजय लाभ करने। देखु डच मैंने विजय लाभ कले जीति से कौन कले ना पर्तुगीज मानक द्वारा जो यानेक वाणिज्य कोठी से सबको अधिकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन को देखनी कौन रही, डच मैंने क्यों सब स्थान में वाणिज्य कोठी स्थापन कले। डच मैंने जिते वाणिज्य कोठी स्थापन कले क्यों सब स्थान स्थापन करते देखते गुजरात करमंडल उपकूल बंगदेश सहित रहा बालेश्वर ओडिशा बालेश्वर कोचिन यही सब स्थान मानक डच मैंने वाणिज्य कोठी स्थापन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लास्ट क्वेश्चन यह हूँ आपंकर लास्ट क्वेश्चन, ओलंदाज मैंने क्यों द्वारा परास्त हेले एवं क्यों सब स्थान को पलायन कले। ओलंदाज मैंने जितेबले परास्त हेले कहा मानक द्वारा परास्त हेले एवं क्यों स्थान को बा क्यों सब जगह को पलायन करते। आंसर देखनी इंग्रेज मानक द्वारा, ओलंदाज मैंने इंग्रेज मानक द्वारा परास्त होते एवं क्यों स्थान को पलायन कले पलाई जाते इंडोनेशिया। यहाँ आप इंडोनेशिया पढ़े से सिया है इंडोनेशिया और सुमात्रा यह सब अंचल को पलायन करते। कौ मैंने पलाई से ओलंदाज कारण इंग्रेज से पराजित करते इंग्रेज मानक द्वारा पराजित हो से इंडोनेशिया एवं सुमात्रा को डर से पलायन करपरि वीडियो जब देखा चाहूँ आम चैनल को एवं ही सब्सक्राइब करनी जहाँफल कि आप सर्वप्रथमें नोटिफिकेशन पाइपर। तो वीडियो शेष पर्यटन देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।